Hi friends, my name is Sunny and I welcome you all in this beautiful channel Concept 24R. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहला chapter है vector. Vector. तो जैसा कि नाम है vector, ये हम लोग class 9 में भी पढ़ चुके हैं कि vector क्या होती है. It's a physical quantity that has magnitude as well as direction. तो it's a physical quantity. It's a physical quantity that has magnitude plus direction. I repeat, vector is a physical quantity that has magnitude as well as direction. What does this mean? सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और फिजिकल का मतलब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो बेसिकली यूनिवर्स यानी कि नेचर, नेचर किस चीज़ से बना है? नेचर बना है मैटर से, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो ये जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस है, इस तीनों के पास अपना एक प्रॉपर्टीज़ होता है, कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. जैसे अगर हम बोले कि मेरे पास एक बकेट में वाटर है, मेरे पास एक बाल्टी पानी है, तो उस बाल्टी पानी का कुछ मास हो सकता है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उस बाल्टी का एरिया हो सकता है, एरिया ऑफ अ फ्रस्टम. तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज़, और उसको हम नाप भी सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं. तो उस सारे क्वांटिटीज़ को हमको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़. इसके अलावा अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में केवल ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड होता है, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट शायद हमको दिखे नहीं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सम इंटेंजिबल थिंग्स लाइक फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं, बट ये कोई, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई रूप नहीं होता है. ठीक है, बाल्टी में पानी हम देख सकते थे, उसके शेप को देख सकते थे, उसको फील कर सकते थे, तो वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी हम मेजर कर सकते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नेचर विच कैन बी मेजर्ड ईजिली. इसमें एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल्स हम लोग पढ़ सकते हैं मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, लेंथ, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़, एंड नंबर टू इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ या वेक्टर क्वांटिटीज़. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है. और मैग्नीट्यूड जब हम कहते हैं, इसका मतलब उसका इंटेंसिटी कितना है. जैसे कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि समथिंग, किसी चीज़ का वज़न, सपोज़ एक पत्थर है, स्टोन है, उसका वज़न है 5 kg, उसी स्टोन का वॉल्यूम है 5 m³. सपोज़ ठीक है. और एक सपोज़ कि मेरे पास एक बॉटल पानी है, वो इसमें पानी है 5 L. तो यहाँ पर 5 तो डायमेंशन है, मीन्स 5 क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, एंड दिस इज़ यूनिट. सो दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ SI यूनिट. सो स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटीज हैज इट्स यूनिट, यू नो. तो मैग्नीट्यूड केवल होता है 5, बट इट हैज़ नो डायरेक्शन. अगर हम बोले कि ये 5 kg जो है, ये 5 kg स्टोन का जो मास है वो किस डायरेक्शन में, वी डोंट नो. क्योंकि मास हम जानते हैं, मास तो मास है, बस उसके पास डायरेक्शन क्या. अगर हम बोले 5 L water, मीन्स 5 L water, 5 L water कहाँ, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, किधर, पता नहीं. तो इस तरह से ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मीन्स इट इज़ मीनिंगलेस टू से डायरेक्शन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज़. बस इसके जस्ट ऑपोजिट में हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है.
अब हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। कैसे? एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये फोर्स इज़ मीनिंगलेस, दिस फोर्स इज़ मीनिंगलेस। अगर मैं इसका डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करूँ तो इट इज़ मीनिंगलेस टू से मीनिंगलेस कि ये फोर्स 5 न्यूटन क्या है। ये 5 न्यूटन अगर हम बोल रहे हैं तो ये 5 न्यूटन किधर लग रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड या अपवर्ड या डाउनवर्ड? क्योंकि ये 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, उसके साथ इसका डायरेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्शन तय करेगा उसका इम्पैक्ट। अगर ये फोर्स राइट साइड लगेगा तो वो बॉडी राइट साइड मूव करेगा, अगर ये फोर्स अपवर्ड मूव करेगा तो शायद ये बॉडी अपवर्ड की तरफ मूव करे। तो ये डायरेक्शन उसका इम्पैक्ट को दिखाएगा, उसका जो रिजल्ट है उसको दिखाएगा, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ केवल मैग्नीट्यूड नहीं, उसका डायरेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग वैक्टर्स का कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्टर क्वांटिटीज एंड सम कंपैरिजन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज विथ वेक्टर क्वांटिटीज ऑल्सो, ठीक है, देखते हैं। जब कंपैरिजन होता है स्केलर और वेक्टर में तो सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। स्पीड एंड वेलोसिटी की हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पढ़ा है। व्हाट इज डिस्टेंस? सो इट इज द एक्चुअल लेंथ, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए मेरे पास दो पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, और इस दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉसिबल पाथ्स होंगे उसकी लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो अब कितना पॉसिबल पाथ्स यहाँ बना सकते हैं हम, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स बन सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पाथ से जाऊँ तो ये एक पाथ हो गया, मेरा मन है ऐसे जाने का, ये दूसरा पाथ हो गया। अब मेरा मन क्या, नहीं भाई थोड़ा सा यहाँ जाऊँ, यहाँ घूमूँ, बाद फिर इधर जाऊँ और फिर बैक से हो करके थोड़ा और वहाँ चक्कर लगा लूँ, फिर इधर आऊँ और वापस तब मैं बी पॉइंट पे आऊँ। तो ये तीनों पाथ का जो डिस्टेंस होगा, मीन्स एक्चुअल लेंथ होगा, वो अलग अलग होगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो थर्ड पाथ हम लोगों ने चुना था वो काफ़ी लंबा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पर पाथ बन सकता है। तो डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए देयर विल बी सो मैनी पाथ, ठीक है ना। तो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग डिस्टेंस निकल सकता है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो इट इज़ दी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट मीन्स ए टू बी। अगर हम ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सो दिस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, द मेजरमेंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट हैज़ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड दैट इज द लेंथ ऑफ दिस ए बी एज वेल एज द डायरेक्शन। बट इससे पहले जो हमने पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 चुना था, उस तीनों पाथ में मैग्नीट्यूड तो था, डिस्टेंस था, बट देर आर नो डायरेक्शन, देर इज़ नो डायरेक्शन। इस तीनों पाथ में हम बोल सकते हैं किस दिशा में जा रहे हैं, तो वी कांट से, वी कांट प्रिडिक्ट कि कौन सा डायरेक्शन सही है और कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट इस केस में कि हम ए टू बी जा रहे हैं, दिस गिव्स द शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ देता है। हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, बट ऑल द डिस्टेंस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट। जितना भी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो एक कंडीशन मेरे पास आता है कि डिस्टेंस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब शायद आप ये बात समझ गए होंगे कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा और बराबर हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है मैग्नीट्यूड में।
दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड, बट डिस्टेंस ऑलवेज लैक डायरेक्शन. ठीक है, ये रिजल्ट याद रख सकते हैं आपकी, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हम लोग अगला पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में. स्पीड एंड वेलोसिटी को कैसे समझ सकते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर हम कहें कि ए कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ए कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, डज इट मेक सेंस? क्या इससे कुछ समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं. वो कार कहाँ जा रहा है भाई? वो कार किस दिशा में जा रही है? पता नहीं. 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, इट गोज, इट मे गो एनी वेयर, कहीं भी जा सकता है, हमको इसका डेस्टिनेशन पता नहीं. सो इट इज़ लैगिंग डायरेक्शन. ठीक है, तो स्पीड ऑफ समथिंग, स्पीड ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी चीज़ का अगर हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं. वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी कहते हैं तो वहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा. किसका? चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट. इफ अ कार इज मूविंग एट अ रेट 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी. सो बाय मैग्नीट्यूड बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम. इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लास 9 में जब हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे तो स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं समझ रहे थे. कहीं पर स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है, हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले रहे थे. क्यों? क्योंकि वो मोशन इन वन डायमेंशन था. वहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है. ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है डायरेक्शन का. ठीक है, ये कार अभी ईस्ट में जा रही है, इट हैज़ अ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट. तो वेक्टर का सब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं. वेक्टर का एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल्स, तो वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क एटसेट्रा. ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हम लोगों ने यहाँ लिखा है, और भी होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ यहाँ पर मेंशन की है. दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर. अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. टिल देन, गुड बाय.